नोट तो है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हम आ गए हैं और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में। तो आइए करते हैं हम अपना व्लॉग स्टार्ट। तो आज हम आए हैं फिर से अपने बारी पर नोरस में। नोरस यानी बल्थी वर्ड है, जहाँ पर बैल बकरी वगैरह को चराने लाते हैं उसके लिए हम कहते हैं नोरस। मैं और मेरा चाचा आए हैं, आज हमारी बारी है इसकी वजह से। तो आज का जो हमारा व्लॉग बनेगा यहाँ पर बनेगा, और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि तकरीबन हम 4 से 5 घंटे यहाँ पर स्टे करते हैं, उनको चराते हैं, उसके बाद फिर से गांव लेके जाते हैं। तो उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे हम यहाँ पर बिताते हैं वो सब आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। तो दो चीज़ों का हमें देखना पड़ेगा। एक तो मौसम, आप देख सकते हैं कि इस साइड पे बर्फ़ आ रही है और हमारे गांव पे पहले बर्फ़ आई हुई है, अभी फ़िलहाल नहीं आ रही, और बहुत सर्दी है, तकरीबन -20 चल रहा है यहाँ पर छतरो गोमा सियाचिन में। और यहाँ पर हमें दो काम करने हैं, एक इनको चराते हुए इन सबको ऊपर पहाड़ों पे चढ़ने नहीं देना है, और दूसरा सर्दी से भी बचना है। सो अभी अभी हमने लगाया है, तकरीबन 10 बजे हम गांव से निकालते हैं और आगे की साइड लेके आते हैं। तकरीबन हमने यहाँ से लेके जाना है 2 बजे, तो तकरीबन 2-3-4 घंटे होते हैं इनको हमने यहाँ पर चराते रहना है और अपने जो है एक्टिविटीज़ को बरकरार रखना है। बहुत सर्दी है तो गर्म कैसे करते हैं, तो भूख लगे तो हम क्या करते हैं, ये सारे आप लोगों को इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो हमारे चराने का स्टाइल कुछ यूँ है कि एक बंदा जो फर्स्ट साइड पे बैठते हैं, आगे मतलब पीछे, मेरे तो अभी पीछे हो गया, पीछे बैठते हैं और मैं आगे निकल आता हूँ ताकि मैं यहाँ से नज़र रख सकूँ। ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद कुछ इस तरह से रास्ते हैं ना, वहाँ से देखते हुए जाना होता है। और नीचे आप तकरीबन नीचे दरिया तक आप देख सकते हैं, यहाँ से व्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर और एक चीज़ का भी ख़तरा होता है इनके लिए कि यहाँ पर जो कुत्ते भी हैं और जो भेड़िया वगैरह है ना, उन सब से भी इनको बचा के लेके जाना होता है, इसलिए दो आते हैं ताकि कोई यहाँ पर रह ना सके। अगर रात को यहाँ पर रहें तो जो भेड़िया है और कुत्ते हैं और जो जंगली चीते हैं वो सारे आके इनको खाने के ख़तरा है, उसकी वजह से हम ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई रह ना जाए। एक बंदे कभी अगर रह जाए अगर रात को यहाँ पर, तो वो मिलना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि सारों का आया हुआ है कि नहीं, जितने हमने लेके आए हैं उन सबको लेके जाना होता है। तो इसलिए हम दो आते हैं और आके इसी तरह चरा के तकरीबन 10-15 डेज़ के बाद हमारे फिर से बारी आती है। सो बारी बारी में अलग अलग घरानों के लोग आते हैं और वो भी इसी तरह चराते हैं और चरा के लेके जाते हैं। मैंने अभी कहा कि सर्दी की शिद्दत बहुत है और आप देख भी सकते हैं कि हमारे गांव पूरा कवर हो गया है बर्फ़ से। ये तकरीबन 2-3-4 दिन पहले आया हुआ बर्फ़ है, वो अभी तक पिघला नहीं है, और इस साइड पे ज़्यादातर धूप लगती है उसकी वजह से यहाँ पर कुछ कमी है, और उस साइड पे अब भी बर्फ़ आ रही है आप देख सकते हैं। तो जितने भी भेड़ बकरियाँ हैं वो इस तरह के घास को खाते हैं, हमारे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। ऐसे कहते हैं हमारे ज़बान में, बल्थी ज़बान में बुरसे ये आग जलाने के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है, इससे जल्दी आग जलती है जब ये सूख जाए। तो आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ों में इसी तरह के जो है पौधे हैं। तो अभी तो सर्दियों का वक्त है,
बस यही मिलता है, ये तकरीबन सूखा हुआ है। तो ये शौक़ से खाते हैं हम भेड़ बकरियाँ। और इसी तरह खाते हुए आगे जाते हैं, तकरीबन 1 बजे तक हम इनको आगे लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर एक ऐसा जगह है जहाँ पर रोकते हैं, फिर हम भी खाना वगैरह खाते हैं और वहाँ पर आग जला के थोड़ी देर बैठना होता है। ये देख सकते हैं आप कुछ कितने मज़े मज़े से खा रहे हैं ये लोग। तो अभी हम पहुँचे हैं बहट साइड, इसे कहते हैं बहट। बहट मतलब ऐसा चार दीवारी जो कि बहुत लंबा होता है। आप देख सकते हैं उस कोने से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ तक है। ये इसलिए लगाते हैं जब गर्मियों में यहाँ पर हम जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उसके बाद गायें वगैरह को ऊपर लेके जाते हैं, गायें वगैरह को ऊपर लेके जाते हैं और उन्हें नीचे आने नहीं देते। और यहाँ पर नीचे वहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर एक रोड है, वहाँ पर एक घर बनाया हुआ है, वहाँ पर स्टे करना होता है तकरीबन 4 बजे तक। फिर जितने भी गायें हैं उनको छोड़ के सीधा रोड से लेके सारों के घरों में लेके जाना होता है। तो इसलिए ये जो है बनाया हुआ है, ये दीवार आप देख सकते हैं कितना लंबा है, और बलती ज़बान में इसे कहते हैं बहट। तो अभी सारे नीचे चला गया है और ये जितने भी कांटे हैं इनको खाएंगे। इसके बाद हमने इस साइड पे लेके जाना है, वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम इनको सही तरह चरा सकते हैं, देख रेख भी कर सकते हैं। और एक बात ये देखें, ये हमारा सियाचिन का दरिया है, ये बिल्कुल ही जमा हुआ है। आप वो देख सकते हैं यहाँ से पानी आ रही है और ये सारा बंद हो गया है, ये देख सकते हैं पूरा जमा हुआ है। फिर यहाँ से निकली हुई है थोड़ा सा, बाकी यहाँ से इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ख़तरनाक है, अगर पानी ज़्यादा हो तो उधर नीचे ही बह मतलब गिर जाता है, तो वहाँ से बह भी सकते हैं, इसलिए हम जाते नहीं कि अभी थोड़ी देर यहाँ पर हम इनको चढ़ाएंगे। तो तकरीबन 12 बजे हो गई है और बर्फ़ भी आने लगी है और ठंड बहुत बढ़ने लगी है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर साइड पे थोड़ा सा आग लगा के वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को गर्म करेंगे। अभी बर्फ़ आना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा कम ही आ रहे हैं, बहरहाल बर्फ़ आ रही है और सर्दी बहुत है। चो हो हाँ चो वाह। सो दूसरे साइड नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, उसकी वजह से डर के यहाँ से दूसरी साइड नहीं जा रहे, तो यहाँ से उस साइड पे हमने बेचना है। चले हाँ तो लो। तो इनको यहाँ पर रखते हैं, हम यहाँ पर आग लगाएंगे। यहाँ पर कांटे हैं बहुत सारे सूखे, सो इजीली हम आग लगा सकेंगे। बहुत ठंड लग रही है हाथों, मतलब हाथों से जो है कुछ चीज़ पकड़ा नहीं जा रहा है, इतना ठंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़े से आग लगाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कांटे कांटे हैं और ये भेड़ बकरियाँ वहाँ पे, तो हम यहाँ लगाते हैं आग। तो ये कुछ चीज़ें लेके आए हैं, इसको हमें खाना है, उससे पहले हम आग लगाएंगे। इसको कहीं इधर रखते हैं, इधर रख के, तो इधर रखते हैं। अभी हम लाएंगे कांटे, कांटे इकट्ठे करेंगे, इसके बाद जलाएंगे आग। चलिए जी सूखा यहाँ पर जाते हैं, इनको उठाते हैं। तो ये सूखा इजीली हम तोड़ सकते हैं, इस तरह के कुछ हम लाएंगे यहाँ से नीचे से, फिर इनको हम जलाएंगे। बहुत ठंड लग रही है हाथों की, आप देख सकते हैं ठंड की वजह से सुकड़ गए हैं ये सूखे सूखे।
लकड़ियाँ इनको उठाते हैं और आग जलाते हैं। बहुत ठंड लग रही है कसम से। ओए ओए ओए, मेरे तो नाक से भी पानी आने लगी है, इतनी सर्दी है यहाँ पर। बस ये जल जाए, नहीं जला फिर मसला है, जल जाए इंशाल्लाह, जल जाएगा। यहाँ पर लगाते हैं हम आग, ताकि यहाँ पर लगाते हैं। बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर आना, ये ऐसे में सारी सूखे हैं, उस वजह से हाथ पूरे जमके हैं, सभी की वजह से ऐसी जगह। जी आग तो नहीं जला, जो कुछ खाने के लेके आए थे उनको आते फिर निकलते हैं। ठंड बहुत हो रही है, अभी बर्फ़ भी आ रही है आप देख सकते हैं, और बैल बकरियाँ भी खा के ऐसे बैठे हुए हैं, बस नीचे जाने के इंतज़ार में हैं। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म, और हमारा टाइम भी आ चुका है, तकरीबन 2 बजे हो गए हैं। तो अभी खाना वगैरह भी हमने नहीं खाया है, तो 2 बजे तक सारे लेके जाते हैं, तो हम भी ले जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। व्लॉग कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।